अपने अपने स्थान पर आ जाए। प्लीज जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं भाई श्री हंसराज आहिर जी। इनके बारे में परिचय देने की जरूरत नहीं है, हम एजेंसी हैं, कोई जरूरत नहीं है, मैं विशेष परिचय नहीं दूंगा, बस इन्हें जाना है उद्बोधन के लिए। एक बार जोरदार तालियों से इन्हें आमंत्रित करता हूं। सम्माननीय सभी हमारे अनेक राज्यों से और अनेक देशों से आए हुए हमारे यादव भाई बहने, और आपको यहाँ पर एकत्र करने का जो प्रयास किया गया है, हमारे मित्र और अपने समाज के वरिष्ठ ऐसे समाज संगठक के रूप में काम कर रहे एक अच्छे उद्योगपति होने के बावजूद भी सूरज जी यादव ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और यहाँ जो हमारे यादव चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से इस सभा में उपस्थित जो हमारे और भी भाई लोग हैं, जिसमें यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेता सांसद के रूप में, पूर्व मंत्री के रूप में जो शरद यादव जी भी हैं, वो भी यहाँ आने वाले हैं, आदरणीय नित्यानंद जी जो एमपी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी यादव, सभी यहाँ पर अपने समाज के वरिष्ठ नेता लोग यहाँ आने वाले हैं, लेकिन अभी जो उपस्थित हैं इन सभी के प्रति मैं सम्मान के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और एक अच्छा प्रयास, अच्छा एक विजन में मानता हूँ इस कार्यक्रम को। ये राजनीति का मंच नहीं होने की वजह से निश्चित ही यहाँ पर अनेक राजनीतिक दल के भी नेता लोग यहाँ उपस्थित हैं, अनेक सामाजिक संगठन में काम करने वाले, बड़े बड़े पदों पर काम करने वाले अधिकारीगण, बड़े उद्योगपति, व्यापारी, ऐसे जो समाज को कुछ दिशा दे सकते हैं, अपनी हो रही प्रगति के साथ में समाज की भी प्रगति के बारे में सोचेंगे, ये भावनाओं के साथ में सुदेश यादव जी ने, उनके सभी साथियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये कल्पकता बहुत ऊंची है और उन्हें कुछ आशा भी है आप लोगों से। मैं यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने भारी संख्या में मुझसे मुलाकात की, अनेक राज्यों के मेरे भाई लोग मिले, पढ़े लिखे मिले, व्यापारी मिले, कुलपति से लेके बड़े अधिकारी तक सभी से मैं बात की है। मैं आप लोगों से उम्मीद यही करूँगा जो सुधीर जी ने या समाज अपेक्षा करता है, हम लोगों ने एक मंजिल हासिल की है। ये मंजिल पर्याप्त है या ना है वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पर आप लोग हैं थोड़ा पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमसे बहुत ही पिछड़े लोग हमारे जाति में हैं, बहुत पिछड़ गए। मेहनत करना हमारे जाति का स्वभाव है, ये हमारे खून में संस्कार है, और मेहनत करने वाले समाज में हम लोग जन्म लिए हैं। लेकिन आप लोगों को, हम लोगों को एक सफलता मिली है, हम किसी थोड़ी कुछ हाइट पे जाके हम पहुँच चुके हैं, और मुझे लगता है कि यही अपेक्षा है कि हम सब लोगों को वहाँ पहुँचाएं। अनेक योजनाएं होती हैं, अनेक कल्पकताएं होती हैं, गरीबी जो सब्जेक्ट है, विषय है, ये बना हुआ है, लगा हुआ है, ये गरीबी आज की नहीं है, और गरीबी समाप्त करना एकमात्र लक्ष्य आदमी ने जीना चाहिए। एक निरोगी समाज, एक संपन्न समाज और एक काम करने वाला वर्ग, वो हमारा बने, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, सम्मान के साथ, कि हम लोग भूखे रहेंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, यह हमारा स्वभाव नहीं है। मेहनत करते करते कई लोगों ने मंजिल हासिल की है, सुदेश जी का उसका उदाहरण देता हूँ, अनेक कई लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये बहुत सही सोच है कि हम अपने बराबरी में सबको ला सकते हैं। क्या जो सरकार सोचती है, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा है, बार बार कहा है कि मुझे देश की गरीबी समाप्त करनी है, यह भी मंच वही कहेगा कि मुझे मेरे समाज का कोई व्यक्ति गरीब ना रहा, यही सोचा हम लोग।
देश में बेरोजगारी है, समाज में बेरोजगारी है, ये कहीं ना कहीं हमें इस पर रोकना पड़ेगा। अब हर चीज सरकार करेंगे भावना नहीं होनी चाहिए, कुछ समाज भी करे, कुछ व्यक्तिगत रूप में भी करे। और मैं बहुत अच्छी बातें देखता हूँ अपने समाज में, कहीं कहीं जाता हूँ, कभी तेलंगाना जाता हूँ, कभी आंध्रा जाता हूँ, तमिलनाडु जाता हूँ, गुजरात जाता हूँ, उत्तर भारत में भी गया हूँ, दिल्ली में भी देखा है, मेरे महाराष्ट्र में भी हूँ। लेकिन कुछ अच्छे अच्छे भी संस्कारित कार्य होने का अगर कहीं मेरी नजरों में आया है तो मैं किसी को बुरा ना लगे, लेकिन मैं कहूँगा गुजरात की जो अपनी समाज सभा है, जो वहाँ पे अहीर समाज के माध्यम से जो काम चलता है, वो उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। बहुत अच्छा, इतने हॉस्टल, इतने स्कूल कि आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि उन्हीं के पास धन है और अकेले सुधीर जी के पास धन है, ऐसा भी नहीं है, अनेकों के पास धन पड़ा हुआ है। देखिए समाज के लिए भी बाहर निकले, निकाले, खर्च करे, धनवान होना अलग बात है, लेकिन धनवान होने के बाद में समाज के लिए उसका व्यय करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं देखा था, मैं गुजरात में जाता हूँ, अभी इतने में मैं चार पांच बार गया हूँ, अभी और जा रहा हूँ जूनागढ़। मैं तमिलनाडु में आने के बाद की मैं बंगाल वालों की मैंने कहा कि मैं आने वाला हूँ, चाहेंगे किसी न किसी का आपसे मिलेंगे, लेकिन वहाँ से अच्छी चीज़ें चुन के लाएंगे। तो कई जगह पर ऐसी बातें हो जाती हैं, बड़े साहस के साथ में हमारे तमिलनाडु के, तेलंगाना, आंध्रा के भाई लोग, केरला के भाई लोग छाती तान के कहते हैं कि हम यादव है, सीना तान के कहते हैं। और इसलिए समाज का सभी को गर्व अभिमान होना चाहिए, लेकिन सीमित में ना सोचो, सीमित सोच से काम नहीं चलेगा। और किसी अन्य जातियों के बारे में कुछ अपशब्द बोलने से या उनके बारे में टिप्पणियाँ करने से काम नहीं चलेगा। काम जैसे मैंने कहा कि गुजरात के अहीर जाति के लोगों का कार्य बहुत अच्छा है, उसका अनुकरण होना चाहिए। यही बात है जो अन्य समाज के वर्गों के लोगों ने अगर अपनी प्रगति की है उनसे आपको सीखें, सीख लें, अनुकरण करें। और जब तक हम दूसरों से प्रगत समाज की अच्छी बातें नहीं समझेंगे, नहीं उसको स्वीकार करेंगे और अपने भाइयों को नहीं देंगे, हमारा समाज नहीं आगे जाएगा। इसलिए मैं ये देश में सबका साथ सबका विकास के माध्यम से सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री देखते हैं, जाति पाति की बातों को बहुत दूर रख के काम करना पड़ता है। हाल ही में हमारे जो हम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उसके लिए भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, दलितों के लिए भी किया, आदिवासी के लिए भी किया है, सबके लिए करते हैं। लेकिन जो हमारे लिए किया उसका हम क्या लाभ ले रहे हैं? हमारे पास में धन है, लेकिन हमारे बात की जो है गरीब, जो हमारे परिवार के लोग हैं, बिरादरी के लोग, उनके पास में धन नहीं है। तो धन प्राप्ति के लिए सरकार की योजना को हम लाभ दे सकते हैं क्या? अब स्टैंड अप सरी की योजना बनती है, मुद्रा योजना बनती है, उसको भी हमें काम करना चाहिए। ये बातें नहीं कि हमने सम्मेलन कर लिया, भोजन साथ में कर लिया, लेकिन मेरे साथ में रहने वाला, मेरा पड़ोस में रहने वाला गरीब समाज का भाई, उसके आर्थिक विकास के लिए मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ तो सरकार से दिला सकता हूँ? दिलाना चाहिए, योजनाओं का लाभ देना चाहिए। मैं यहाँ के विदेश से आए भाइयों के प्रति बहुत आदर व्यक्त करता हूँ। आपने हिंदुस्तान के बाहर जाकर आपने जो प्रगति की है, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। कि हम जाते हैं विदेश में, कहीं माइनिंग का काम करते हैं, कहीं इंडस्ट्री चलाते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, तो बड़ी बात है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बातें हैं कि हम देश में ही नहीं, देश के बाहर जाकर हम यदुकुल के लोग जाते हैं और बिजनेस करते हैं। और अभी जैसे आपने कहा कि व्यापार, हम व्यापार में और ज़्यादा अच्छे से काम करें, और यही हमारी एकता है के साथ में समाज को आगे बढ़ाने का एक कल्पना है, उसका हम एक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार भी करें, अपनों में से पिछड़ों को मदद करने की भावना बनाएं, यही मेरी भावना है। मैं यहाँ आया हूँ
जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी बुलाया जाता है, समाज के लोगों में हम जाते हैं, लेकिन ये राजनीतिक दल होने के नाते ये नहीं हम कहते कि भाई कोई अन्य दलों के लोग हैं तो वहाँ हमने नहीं जाना चाहिए, वो बातें हम नहीं सोचते और किसी ने नहीं सोचना चाहिए। जाति के सम्मेलन में जाति के प्रति अच्छे शब्द बोलने में और जाति के हित में बात करने में किसी भी राजनीतिक दल के हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों या बड़े पदों पर काम करने अधिकारी हो, जिस जाति में आपका जन्म हुआ उस जाति के लिए कुछ देना है, ये भावना से काम करना चाहिए। मैं आपको सभी को यहाँ पर शुभकामना देता हूँ। इसी वजह से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ पर जो जोत जली है वहाँ से आप अच्छी प्रेरणा लेंगे। ये जोत महीने नहीं जलाइए, आप लोगों ने सबने मिलकर जोत को जलाइए और ऐसे अच्छे विचार लेकर समाज की प्रगति के लिए हम मिलकर काम करेंगे, ये भावना रखते हुए मैं जो ऊंचे स्तर पे काम करने वाले भाइयों को और भी देश की प्रगति के लिए विदेश में जाकर या देश में रहकर मेक इन इंडिया की जो बात कही जाती है, इस मेक इन इंडिया के माध्यम से देश की प्रगति के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। अब यहाँ पर शंखनाद हुआ था, ये भारत देश की पहचान, ये भारतवर्ष जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, ये भारतवर्ष है जहाँ पर प्रभु राम जी का जन्म हुआ है, सुदर्शन चक्र लिया था भगवान श्री कृष्ण जी ने, धनुधारी राम कहा जाता है प्रभु रामचंद्र जी को, हम योद्धा है, हम शूरवीर भारत देश के नागरिक हैं, जहाँ वीरता है, जहाँ पर हमारे में शस्त्र पूजा होती है, उस भारत देश में हमारा जन्म होगा। अब देश की रक्षा के लिए हमें सोचना पड़ेगा, समाज की प्रगति के साथ में देश की रक्षा बहुत बड़ी बात बनी हुई है। मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे समाज के लोग मुझे आग्रह से कहते हैं कि हमारा अहिर रेजिमेंट बनाया जाए, ये अहिर रेजिमेंट बनाए जाए, ये बात ही बहुत बड़ी है। हम स्वयं होकर कहते हैं कि हमें देश की रक्षा के लिए रेजिमेंट हमारे नाम से बने, ये मामूली मांग नहीं है, इसका अर्थ है कि हम देशभक्त लोग हैं, देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं। और ऐसे वीरों के बीच में हम ये सोचना चाहिए कि आज के हालात में हम देश की आर्थिक प्रगति के साथ में देश की चारों ओर सुरक्षा के लिए हमने भी एक जिम्मा लेना चाहिए। हम सोचे कि हमारे जवान बच्चों को हम किस तरीके से मिलिट्री में फोर्सेस में भेज सकते हैं क्या, ये जरूर सोचना चाहिए। अहिर रेजिमेंट की मांग चलती रहेगी, मांग करेंगे, लेकिन अहिर का यादव का बेटा देश की रक्षा के लिए फोर्सेस में जाए, इस बात को जरूर आप आगे आके काम करेंगे। यह देश की भक्ति है, इस मातृभूमि से बढ़ के क्या होता है। इसलिए सभी बातों के लिए मैं आपसे विनती करने आया हूँ और निश्चित ही सुदेश जी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मैं सभी के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, यहाँ काफ़ी लोगों ने आपको मदद की है, उन सभी के प्रति मैं आदर के साथ में उन्हें प्रणाम करता हूँ, आप लोगों को शुभकामना देता हूँ। आने वाले दिनों में अभी दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए भी सबको शुभकामना देते हुए अपने दो शब्द रखता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री श्री जी।